हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के फ्रेंडली मैचेस के संपर्क में। तो दोस्तों, ये खबर आप सभी को मिल ही चुका होगा कि हमारी नेशनल फुटबॉल टीम प्लान कर रही थी मार्च के महीने में दो फ्रेंडली मैचेस खेलने का, और आज से कुछ दिनों पहले ये खबर आ चुका था कि म्यांमार और किर्गिज रिपब्लिक के साथ हमारी सीनियर नेशनल फुटबॉल टीम फ्रेंडली मैच खेलने वाली है। लेकिन दोस्तों, इसको लेकर कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं था, लेकिन आज सारे इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है कि इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के तरफ से ऑफिशियली यह खबर आ चुका है कि हमारी इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम हीरो ट्राई नेशन फ्रेंडली टूर्नामेंट खेलने वाली है म्यांमार और किर्गिज रिपब्लिक के साथ। तो दोस्तों, पहला मैच होगा 22 मार्च को म्यांमार और किर्गिज रिपब्लिक के साथ, और उसके बाद 25 मार्च को होगा म्यांमार वर्सेस इंडिया। यानी कि दोस्तों, इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम का पहला फ्रेंडली मैच होगा म्यांमार के खिलाफ 25 मार्च को, और उसके बाद 28 मार्च को उतरेगी इंडिया और किर्गिज रिपब्लिक। और दोस्तों, ये सारे फ्रेंडली मैचेस खेले जाएंगे इम्फाल के ग्राउंड में, यानी कि सेंट्रलाइज वेन्यू पर ये फ्रेंडली टूर्नामेंट होगा, और जिस भी टीम का सबसे ज़्यादा अंक रहेगा वही इस फ्रेंडली टूर्नामेंट को जीतेगा। तो दोस्तों, आप सभी कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के फ्रेंडली मैचेस को लेकर, आप अपना राय ज़रूर कमेंट सेक्शन पर बताना। और बात करें लाइव टेलीकास्ट की, तो लाइव टेलीकास्ट को लेकर कुछ भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों जो सोर्स है वो ये है कि यूरो स्पोर्ट्स पर हम इन दोनों फ्रेंडली मैचेस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो चलिए, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।